हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, हम PT365 अपनी एनवायरनमेंट की मैगजीन कर रहे थे, तो चलिए इसी को कंटिन्यू करते हैं। दिल्ली एयर पोल्यूशन गाइस, ये आपको हमेशा पता है कि ये हमेशा न्यूज़ में होता है, खासकर आफ्टर दिवाली। तो रिसेंटली देयर हैज़ बिन डिबेट्स ओवर द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ द एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। अभी क्या है, इस पर डिबेट हुई कि यार दिल्ली में जो इतना एयर पोल्यूशन आ रहा है उसके क्या डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं। चलो देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स लिए हैं दिल्ली के एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले, दिल्ली पहली सिटी बनी है जो कि BS6 फ्यूल्स पे क्या चलेगी, ठीक है। मतलब कि जो उसके व्हीकल्स हैं वो सारे के सारे भारत स्टेट 6 नॉर्म्स के होंगे। दिल्ली क्या करेगी, हाइड्रोजन CNG फ्यूल बसेस को स्टार्ट करेगी ताकि जो एमिशंस हैं उन्हें कर्व कर सके। जो हाइड्रोजन CNG फ्यूल बसेस होती हैं उसमें जो हाइड्रोजन और CNG का ब्लेंड होता है, जिसमें जो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन होती है वो 18% होती है। अगर हम कन्वेंशनल CNG के इंजन से अगर हम कंपेयर करें तो उसमें जो हाइड्रोजन CNG है उससे क्या आएगा, हमारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड के एमिशन है वो 70% कम होएंगे, ठीक है। और हम जो फ्यूल है उसमें भी 5% की सेविंग कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक हाई लेवल कमेटी बैठी थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर, उन्होंने रिकमेंड किया कि किस तरह से हम एयर पोल्यूशन के लेवल को कंट्रोल कर सकें दिल्ली NCR रीजन में। तो कुछ टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन हमें दिए हैं कि किस तरह से हम एयर पोल्यूशन से फाइट कर सकते हैं। पहला सोल्यूशन यही है कि हमें लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग और साथ में वायरलेस सेंसर नेटवर्क टेक्नोलॉजी का यूज़ करना होगा, जिससे हम क्या है बेटर पोल्यूशन मॉनिटरिंग कर सकेंगे। अब जरा पढ़ते हैं जो लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग नेटवर्क है, ये क्या है, एक लेज़र बेस्ड टेक्नोलॉजी है। इससे कहेंगे हम जो पोल्यूशन है उसे मॉनिटर कर पाएंगे, ठीक है। जो वायरलेस सेंसर नेटवर्क है इसमें हम क्या करेंगे, जो भी एक्टिविटीज चल रही है जैसे माइनिंग, लार्ज कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, ठीक है, उन्हें हम मॉनिटर कर सकेंगे। देखेंगे कि यार वो किस तरह से एयर क्वालिटी को क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है, और उन्हें रेगुलेट करेंगे फॉर कंडक्टिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन। हम क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज में ऑक्सी फर्नेसिस यूज़ करेंगे। ऑक्सी फर्नेसिस क्या करती हैं, सिर्फ ऑक्सीजन यूज़ करती हैं एज फ्यूल इंस्टेड ऑफ एटमोस्फेरिक एयर। इससे क्या होता है, जो हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है ना प्रोडक्शन, उनकी प्रोडक्शन क्या होती है, रिड्यूस होती है, इवन 90% जो इनकी प्रोडक्शन घटती है। हम क्या करेंगे, जो रोड्स पे फोटोकैटलिक पेंट्स यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो फोटोकैटलिक पेंट्स होते हैं उसके अंदर टाइटेनियम ऑक्साइड होते हैं जो कि बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल होता है। और ये करता है जो पोल्यूटेंट्स होते हैं एयर में, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उन्हें क्या करता है, रिमूव करता है, जैसे वोलाटाइल कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए या जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं उन्हें क्या करता है, रिमूव करता है। कैसे करता है, जब भी जो वहाँ पे जो सनलाइट आती है जब वो प्रेजेंट होती है तो उसमें क्या करता है, फ्रॉम द एटमोसफियर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। तो इस तरह से क्या फोटोकैटलिक पेंट क्या करेगा, हमारे जो एयर में पोल्यूटेंट प्रेजेंट होंगे उनको रिमूव करेगा। हम क्या करेंगे, जो एंटी स्मोक फंस हैं, गन्स हैं, उनका यूज़ करेंगे। इसमें क्या आएगा, जो हम हाई प्रेशर जो प्रोपेलर्स होंगे उससे क्या आएंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स को स्प्रे करेंगे, जिससे क्या आएगा, जो पार्टिकल्स को हेल्प होएगा कि वो सेटल डाउन हो सकेंगे, ठीक है। हम एक स्मोक टावर्स को यूज़ करेंगे, सेटअप करेंगे, जो कि 20 फीट हाई होंगे। इससे क्या आएगा, हम जो लार्ज स्केल एयर प्योरीफायर्स कर सकेंगे, जिस वजह से जो पोल्यूशन पार्टिकल्स हैं उन्हें रिड्यूस कर सकते हैं अपने एटमोसफियर से, ठीक है। अब क्या एक्शन प्लान लिया गया, क्लीनर इंडस्ट्री के लिए नीति आयोग ने अभी क्या किया, जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ है, इसके साथ मिलकर लॉन्च किया ज्वाइंट इनिशिएटिव, क्या नाम है उसका, क्लीन एयर बेटर लाइफ, 2016 में किया था। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि किस तरह से हम जो दिल्ली और उसके दिल्ली NCR का रीजन है उसमें एयर पोल्यूशन को हम एड्रेस कर सकें। जरा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं साथ में, जो दिल्ली NCR में जो मेजर सोर्स है पोल्यूशन का वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, ठीक है। स्पेशली क्या, PM2.5 पार्टिकल सबसे ज़्यादा एमिट करता है, 17.9% और 39.2% क्या करता है, ये एमिट करता है। जबकि जो रोड डस्ट है वो लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है PM10 पार्टिकल्स का, ठीक है। मतलब 35.6% से लेकर 65.9% रोड डस्ट लेते हैं। तभी तो क्या है, जो हम दिल्ली में सबसे ज़्यादा इवन ओड इवन का जो सिस्टम है वो दिल्ली में ही तो लेके आते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है PM2.5 पार्टिकल्स का, ठीक है। अब ठीक है, एयर पोल्यूशन जरा समर और विंटर में देखें, जो रिपोर्ट ने एड्रेस किया है कि सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन द समर्स एंड विंटर्स, मेनली क्या विंटर्स में वहाँ ज़्यादा पोल्यूशन देखने को मिलता है। द रिलेटिवली लार्ज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम रोड सील डस्ट एंड द फ्लाई एश इन समर इज़ बिकॉज ऑफ द ड्राई वेदर कंडीशन, जो मेनली अगर ड्राई वेदर कंडीशन में मेनली जो रोड डस्ट या फ्लाई एश की वजह से क्या होता है, मेनली वहाँ पे एयर पोल्यूशन का सोर्स है। एंड हाई विंड स्पीड इंक्लूडिंग ओकेजनल डस्ट स्टॉर्म्स विच मेक डस्ट एंड फ्लाई एश पार्टिकल एयर होम, ठीक है। अभी क्या जो स्कीम्स हैं, क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं दिल्ली के एयर पोल्यूशन को एड्रेस करने के लिए, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ये लेके आए थे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था अंडर द सेंट्रल सेक्टर कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन स्कीम। इसमें क्या आएगा, हम नेशनल लेवल स्ट्रेटेजी है कि किस तरह से हम जो टैकल कर सकेंगे एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम को, ठीक है। इसका टारगेट यही है कि 2024 तक जो हम अपने PM10 और PM2.5 है उसे 20% और 30% रिडक्शन कर सके, ठीक है, 2024 तक, ठीक है। हमने क्या करी है, 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ को क्या किया, आइडेंटिफाई किया एज़ पर देयर एम्बिएंट एयर क्वालिटी
ठीक है, उसमें क्या होगा, हम मेनली क्या होगा इन सिटीज़ पर ज़्यादा फोकस करेंगे। अब एक दूसरा क्या किया, हमने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान आया था, ये मेनली जनवरी 2017 में आया था। इसमें क्या होता है, इसमें भी वही काम था कि किस तरह से हम दिल्ली के जो एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सके, कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो इसके अंदर जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, वो क्या करती है, इसको एनफोर्स करती है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को। जो EPC है वो किसके अंडर है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हम जो एनवायरनमेंट की क्वालिटी है उसको किस तरह प्रोटेक्ट कर सके, किस तरह इंप्रूव कर सके, ठीक है, और किस तरह से जो हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूशन है मेनली दिल्ली NCR रीजन में उसे कंट्रोल कर सके, ठीक है। जो EPCIA को पता होना चाहिए, इसके पास एक्शन बॉडी है, मतलब सुओ मोटो की इसके पास पावर है, मतलब कि खुद से एक्शन ले सकता है, और इवन कोई भी अगर कंप्लेंट्स है जो भी किसी इंडिविजुअल किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई है उसे भी क्या कर सकता है, सुना कर सकता है, ठीक है। ये क्या करता है, मेनली क्या करता है, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स को क्या करता है, कैटेगराइज करता है, ठीक है, कि मॉडरेट है, पुअर है, वेरी पुअर है, सीवर है, सेवर है, क्या है, ठीक है। तो ये सब क्या करता है, ये EPCIA इसी का काम है, ठीक है। एक वायु स्टार्ट किया था, दैट इज़ अ विंग ऑगमेंटिंग प्योरीफाइंग यूनिट, ये भी एक एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है। ये तो क्या करते हैं, जो 500 मीटर स्क्वायर की एरिया है वहाँ की जो एयर है उसको प्योरीफाई करता है। अभी जो वायु ये डेवलप किसके द्वारा किया गया, ये CSIR के द्वारा डेवलप किया, साथ में जो नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा डेवलप किया हुआ, ठीक है। ये प्रोजेक्ट किसके द्वारा फंड किया गया था, DST के द्वारा, दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा फंड किया गया था। ये डिवाइस कैसे काम करता है, विंड जनरेशन दो प्रिंसिपल पे काम करता है, विंड जनरेशन फॉर डिल्यूशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट एंड द एक्टिव पोल्यूटेंट रिमूवल, ठीक है। कुछ और स्टेप्स भी लिए गए किस तरह से हम जो पॉपुलेशन को अवेयर कर सकें, वहाँ के लोगों को अवेयर कर सकें। एक समीर ऐप आया, समीर ऐप से क्या आएगा, जो लोगों को एयर क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन रहेगी, और इवन कि क्या है, वो वहाँ पर कंप्लेंट्स भी रजिस्टर कर सकते हैं अगेंस्ट एयर पोल्यूटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। साथ में जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट था उसने भी एक इंप्लीमेंट किया था एनवायरनमेंट एजुकेशन अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग स्कीम अंडर द नेशनल ग्रीन कोऑप्स प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट। 1 लाख स्कूल्स को हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं इको क्लब, जिसमें हम नियरली जो 30 लाख स्टूडेंट्स हैं उन्हें एक्टिवली पार्टिसिपेट कराएंगे वेरियस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड द कंजर्वेशन एक्टिविटीज इंक्लूडिंग द इशूज रिलेटेड टू द एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया कि किस तरह से जो दिल्ली का एयर पोल्यूशन है उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं और क्या क्या स्कीम्स ऑलरेडी चल रही हैं, ठीक है। तो ये हमने सब पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर रेसिड्यू बर्निंग अ मेजर कंसर्न, ठीक है। आपको पता है इंडिया का जो एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है और हर साल क्या है यहाँ पे जब मैक्सिमम क्या है जब राइस की कल्टिवेशन होती है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा क्रॉप रेसिड्यू बच जाता है, तो उसे मेनली लोग क्या करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं उसको जलाते हैं, जिस वजह से क्या है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है और मेनली जो इसका इफेक्ट है वो दिल्ली पोल्यूशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब जो एग्रीकल्चर रेसिड्यू देख लेते हैं, वैराइटीज ऑफ सरप्लस क्रॉप रेसिड्यूज आर बर्न्ड, जो स्पेशली जो क्रॉप रेसिड्यू है वो बर्न होता था मेनली नॉर्थ स्टेट्स में, जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान में, डिपेंड करता है उनके क्या एग्रोक्लाइमेटिक जोन है। हाउएवर अबाउट द 50% ऑफ ऑल द क्रॉप रेसिड्यू बर्न इन द कंट्री आर द रेसिड्यूज ऑफ द राइस क्रॉप, मतलब मेनली जो है ना राइस क्रॉप का जो रेसिड्यू है मेनली उसको बर्न किया जाता है। यूज ऑफ द कंबाइन हार्वेस्टर लीव द क्रॉप रेसिड्यूज इन फील्ड, ऑफकोर्स उसके बाद क्या, जब क्रॉप काटने के बाद क्या है फील्ड में क्रॉप रेसिड्यू बच जाता है और फील्ड को क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं मेनली फार्मर्स क्या करते हैं उस रेसिड्यू को बर्न कर देते हैं। अब इससे क्या जो पोल्यूटेंट क्या होता है एमिट करते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सी क्रॉप आप बर्न कर रहे हो, किसके क्रॉप के रेसिड्यू बर्न कर रहे हो, उस हिसाब से क्या PM2.5 के एमिट होता है। देखा गया अगर आप शुगर ग्रेन के रेसिड्यू को बर्न कर रहे हो तो आप 12 ग्राम पर किलो रिलीज होता है, मेज़ की 11.2, कॉटन का 9.8, राइस का 9.3 और व्हीट का 8.3, ठीक है। इसकी वजह से देखा गया काफ़ी इल इफेक्ट्स हैं सोयल ऑर्गेनिक कार्बन पे और सोयल की फर्टिलिटी पे। अब क्या स्टेप्स लिए गए हैं कि किस तरह से आप जो स्टेबल बर्निंग है उसे क्या कर सको, टैकल कर सको। NGT ने साथ साथ बैन कर दिया क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग को कहाँ कहाँ पे, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, पंजाब में, ठीक है। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, EPA एक्ट 1956, नेशनल ट्रिब्यूनल एक्ट 1995, नेशनल एनवायरनमेंट अपील अथॉरिटी एक्ट 1997, इन सब में प्रोविजन है अगर कोई भी क्रॉप रेसिड्यू बर्न करता है तो उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन, पेनल एक्शन लिया जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने भी रिसेंटली भी डेवलप किया है एक नेशनल पॉलिसी फॉर मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू 2014, जिसमें यह है किस तरह से आप जो क्रॉप रेसिड्यू है उसकी बर्निंग को क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम भी लेके आई है कि किस तरह से आप प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, UP एंड द दिल्ली NCR की किस तरह से आप इसको लॉन्च किया था कि किस तरह से हम जो एयर पोल्यूशन उसको एड्रेस कर सके और किस तरह से आप मशीनरी यूज़ कर सकते हो ताकि जो क्रॉप रेसिड्यू आप उसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अब जरा और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं गाइस, टोरीफेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। टोरीफेक्शन क्या है, इंडिया ने एक
एक स्वीडिश टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करा है, जिससे क्या है कि जो हम जो राइस का स्टेबल है उसे हम क्या कर सकते हैं, बायोकोल में चेंज कर सकते हैं। तो टोरीफेक्शन इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट द राइस स्टेबल इनटू द बायोकोल। इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जो हम जो उसका स्टेबल होता है, मतलब जो क्रॉप रेसिड्यू होता है, स्ट्रो, ग्रास, सोमिल रेसिड्यू, उसे हम क्या करते हैं 250 डिग्री सेल्सियस या 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं। इसमें क्या होता है, जो बायोमास एलिमेंट्स होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कोयल लाइक पैलेट्स में, ठीक है। इस पैलेट्स को फिर आप यूज़ कर सकते हो कंबशन में अलोंग विद द कोल फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन लाइक स्टील एंड सीमेंट प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये टोरीफेक्शन। हैप्पीसीडर मशीन क्या है, एक ट्रैक्टेड ऑपरेटेड मशीन है जो किसने डेवलप की है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने साथ में किसके साथ कोलेबोरेशन करके, ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ, ताकि हम क्या कर सकें, जो पैडल स्टबल है, जो क्रॉप रेसिड्यू है, उसको हम क्या कर सकें, मैनेज कर सकें। साथ में जो सुपर SMS दैट इज़ द सुपर स्टॉप मैनेजमेंट सिस्टम है, वो भी साथ में फिट होएगा, हार्वेस्टर के साथ अटैच होएगी, जो एंश्योर करेगा दैट द स्ट्रॉ गेट्स कट एंड स्प्रेड इवनली ऑन द फील्ड सो दैट द हैप्पी सीडर कैन डू इट एज अ वर्क एफिशिएंटली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ग्रीन क्रैकर्स है। अभी क्या है, एयर पोल्यूशन के क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए CSIR साथ में जो नीडी है दैट इज द नागपुर फेज नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने ग्रीन फायर क्रैकर को डेवलप किया। देखो ग्रीन क्रैकर्स के क्या नेम है गाइस, ये आपको पता होना चाहिए, स्वास दैट इज द सेव वाटर रिलीजर, साथ में सेव थर्माइट क्रैकर दैट इज द स्टार एंड द सेव मिनिमम एल्यूमिनियम सफल। इससे क्या आएगा, जो हमारे जो पर्टिकुलेट मैटर है उसमें 30% रिडक्शन होगी, ठीक है। साथ में जो पोटेशियम नाइट्रेट को यूज़ करें एज एन ऑक्सीडेंट। तो गाइस आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज स्वास स्टार एंड द सफल, ये किस चीज़ के नाम है, ये किस चीज़ से रिलेट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ग्रीन फायर क्रैकर्स है, ठीक है। ये क्रैकर्स क्या होते हैं, इनमें एक यूनिक प्रॉपर्टी है, ये एक वाटर वेपर को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं एयर एज अ डस्ट सप्रेसर, जो क्या करते हैं गैसेस एमिशन के साथ डाइल्यूट हो जाते हैं, ठीक है। जिस वजह से क्या है, जो इनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। ग्रीन क्रैकर्स को आप क्या करो, कुछ ग्रीन क्रैकर्स ने क्या किया है, बेरियम नाइट्रेट को भी रिप्लेस किया। अब जो बेरियम नाइट्रेट है वो हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक है, इस वजह से क्या है, ग्रीन क्रैकर्स में बेरियम नाइट्रेट का यूज़ नहीं किया गया। इससे क्या होता है, मेनली जो नोज़ इरीटेशन होती है या थ्रोट या लंग्स में क्या होता है, इरीटेशन हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या है, जो ग्रीन क्रैकर्स में होते हैं इसमें बैंड केमिकल्स नहीं है, मतलब लिथियम आर्सेनिक लेड बिल्कुल भी यूज़ नहीं होते हैं। देखो जो ग्रीन क्रैकर्स होंगे इसमें स्पेशली ग्रीन लोगो होएगा एज वेल एज क्विक रिस्पॉन्स कोडिंग सिस्टम होएगा, ताकि हम इन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकें कन्वेंशनल क्रैकर से, ठीक है। ये ट्रेडिशनल वंस की कॉस्ट, मतलब ये जो इनकी कॉस्ट होगी वो सेम कॉस्ट होगी जो ट्रेडिशनल क्रैकर्स होती है, हाउएवर कुछ शेपर भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी जो फायर क्रैकर्स जो डेवलप किया जाता है वो कोई भी रेगुलेट, कौन रेगुलेट करता है उसे, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, किसके अंडर ऑटोनोमस स्टेटस है, किसके अंडर, अंडर द DPIIT, और वो किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये लास्ट वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो ग्रीन क्रैकर्स हैं वो कौन रेगुलेट करता है, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो किसके अंडर है, DPIIT, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आगे जाते हैं ताज ट्रैपेजियम जोन। अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, जो ताज ट्रैपेजियम जोन है उसमें कुछ एक्टिविटीज़ को बैन किया होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते आप वहाँ पे, कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, ये ट्रीज नहीं वहाँ पे तोड़ सकते, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बैन था उसे हटा दिया और सब कुछ अलाउड कर दिया। अब जरा देख लेते हैं ताज ट्रैपेजियम जोन क्या, देखो ताज ट्रैपेजियम जोन है वो क्या है, 10,400 स्क्वायर किलोमीटर का एक इको सेंसिटिव जोन है ताजमहल के अराउंड, ताकि हम जो वहाँ के मोन्यूमेंट्स हैं उन्हें पोल्यूशन से बचा सकें। ये इको सेंसिटिव एरिया है, इसमें मेनली जो 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, तीनों स्टेट हैं। ये कहाँ कहाँ पे स्प्रेड है, आगरा के डिस्ट्रिक्ट में, फिरोजाबाद, मथुरा, हथरस और इटाहा UP एंड द भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द ज़्यादातर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया इस जोन पे हमको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आगे बढ़ते हैं ओजोन पॉल्यूशन। अभी क्या, दिल्ली में रिकॉर्ड किया गया ओजोन पॉल्यूशन विच इज़ द 1.22 टाइम्स हाईर देन द 8 आर एवरेज स्टैंडर्ड फॉर ओजोन एक्सपोजर दैट इज़ द 100 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अब ओजोन पॉल्यूशन क्या होता है, ओजोन दो तरह के होते हैं, ये आपको पता भी होगा, गुड ओजोन जो मेनली स्ट्रेटोस्फीयर में बताते हैं, तो जो हमें अल्ट्रावायलेट, जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट लाइट्स हैं वहाँ से प्रोटेक्ट करती हैं, जबकि बैड ओजोन मेनली ट्रोपोस्फीयर में होती है, ठीक है, जो मैन मेड होती हैं। इसमें क्या होती हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड्स होते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिन्हें ओजोन प्रेक्यूसर्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये मेनली ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या करती हैं, ओजोन बनाती है सनी डेज में। हाई टेम्परेचर कंडीशन में क्या करती हैं, ये जो हाई लेवल ऑफ ओजोन है वो यूजली फॉर्म होता है इन द हीट ऑफ द आफ्टरनून एंड अर्लियर इवनिंग डिसिपेट ड्यूरिंग द कूलर नाइट। जो ग्राउंड लेवल ओजोन और जो PM2.5 है ये मेनली क्या है, स्मोक को फॉर्म करती हैं। जो सर्फिस लेवल जोन है इज द थर्ड मोस्ट ग्रीन पोटेंट ग्रीन हाउस आफ्टर द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द मीथेन। अब इफेक्ट्स क्या, ओजोन के क्या इफेक्ट्स हैं, आपको पता होगा, स्किन इरीटेशन होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो सकता है आपका, ठीक है, या फिर पल्मोनरी डिजीज आपसे क्या होता है हो सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, ओजोन अगर प्लांट्स में एंटर करेंगे, इससे क्या उनकी जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है और प्लांट की ग्रोथ क्या है वो रिड्यूस हो सकती है।
कुछ मटेरियल्स को भी ये डैमेज पहुंचा सकते हैं, स्पेशली जो ऑब्जेक्ट्स रबड़ के बने होते हैं। ठीक है, क्या इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल है, इसका एम यही कि किस तरह से हम एसिडिफिकेशन यूट्रिफिकेशन को अबेट कर सके, कम कर सके या रिमूव कर सके, एंड ग्राउंड लेवल ओजोन को इज अ पार्ट ऑफ द कन्वेंशन ऑन द लॉन्ग रेंज ट्रांसबाउंड्री एयर पोल्यूशन। गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट्स लिए हैं, गवर्नमेंट ने ओजोन को क्लासीफाइड कर रखा है एंड मोनिटर कर रखा है एज वन ऑफ द एयर पोल्यूटेंट अंडर द नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। बाकी जब सफर है, दैट इज द सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग, ये क्या करता है, ओजोन को मोनिटर करता है एज वन ऑफ द पोल्यूटेंट। आगे बढ़ते हैं सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट किसने, ग्रीन पीस ने, उसने फाउंड करे कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट एमिटर है किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का वर्ल्ड में, और 15% ये क्या कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल एंथ्रोपोजेनिक एमिशन। ठीक है, जो लार्जेस्ट सोर्स है हमारा जो SO2 का, वो मेनली बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, तो जो मेनली पावर प्लांट्स बर्न करते हैं या फिर अदर इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज में। और क्या क्या सोर्स हैं SO2 एमिशन के, जो स्मॉलर सोर्स हैं जैसे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, जैसे एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम ओर, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वोल्केनो या लोकोमोटिव, शिप्स एंड अदर व्हीकल्स एंड हैवी इक्विपमेंट दैट बर्न फ्यूल विद अ हाई सल्फर कंटेंट। ठीक है, तो मेजर सोर्स हमने देख लिया मेनली फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से आते हैं जो कि पावर प्लांट्स में आते हैं, बाकी जो स्मॉलर सोर्स हैं वो भी हमने देख लिए। प्राइमरी रीजन क्या है इंडिया के जो हाई एमिशन आउटपुट का, क्योंकि मेनली क्या अभी भी हमारी जो 70% जो पावर है वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कोयले से ही प्रोड्यूस हो रही है, और जो ऑयल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो एक्सपेंशन हो रही है, जिस वजह से क्या SO2 जो एमिशन है वो हमारी बढ़ रही हैं। और इंडिया में क्या है, डिसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी भी नहीं यूज़ होती, जिस वजह से क्या हम जो अपने सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन हैं उन्हें रिड्यूस करने में अभी भी कामयाब नहीं है। साथ में क्या, जो सल्फर डाइऑक्साइड है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाई रेजिस्टेंस विजिबल कोरोसिव लेयर्स ऑन ऑल एक्सेप्ट मोस्ट नोबल मेटल। बाग साथ में जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है उसकी वजह से एसिड रेन भी हो सकती है। ठीक है, इट इज़ अ प्रक्यूजर फॉर सल्फेट एरोसोल, अ टाइप ऑफ सस्पेंडेड मटेरियल दैट कैन अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लाउड, इसकी वजह से कुछ हमें हेल्थ हजार्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, और क्लाइमेट प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साइंटिफिक डिस्पोजल एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लाई ऐश। अभी क्या है, NGT ने रिसेंटली थर्मल पावर प्लांट को बोला है कि आपको क्या करना है, आपको ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि जो आप फ्लाई ऐश प्रोड्यूस करते हो उसी को आप क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको उसे क्या करना है, साइंटिफिक डिस्पोजल करना है। फ्लाई ऐश क्या होता है, जब भी आप क्या करते हो थर्मल पावर प्लांट्स में कोयल को बर्न करते हो उसके साथ एक बायो प्रोडक्ट निकलता है उसी को फ्लाई ऐश होता है, मेनली फाइन पाउडर होता है। कंपोजिशन क्या होता है, इसके अंदर मेनली कुछ कुछ अमाउंट में सिलिका होती है, सिलिका ऑक्साइड्स होते हैं, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ये सब होते हैं, साथ में कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं जैसे आर्सेनिक, बोरोन, क्रोमियम, लेड, ये कुछ ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि छोटी मोटी कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं। अब जरा फ्लाई ऐश जनरेशन देख लेते हैं, क्योंकि इंडिया में क्या जो कोयला जो हम यूज़ करते हैं वो थोड़ी लो क्वालिटी का होता है, लो ग्रेड का होता है, तो इस वजह से जो ऐश कॉन्टेंट होता है वो 30-45% निकलता है, जबकि जो इम्पोर्टेड जो कोल होता है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, तो जो उसमें ऐश कॉन्टेंट होता है वो बहुत कम होता है, 10-15% होता है। अब क्या है, ऐश है बहुत ज़्यादा लार्ज क्वान्टिटी में निकलता है, ठीक है, कोयल और इग्नाइट बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में। अब उसे डिस्पोज करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा लैंड एरिया चाहिए, लार्ज एरिया चाहिए, ठीक, जो कि हमारे पास नहीं है। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा सोर्स है पोल्यूशन का, बहुत एयर एंड वाटर पोल्यूशन का। जो फ्लाई ऐश जनरेशन है इंडिया में देखा जाए 217 मिलियन टन है, जिसका मतलब 77% इसमें क्या हम यूटिलाइज़ भी करते हैं। ठीक है, मतलब कि 277 मिलियन टन जो है फ्लाई ऐश प्रोड्यूस हुआ था, जिसमें से हमने 77% 2018-19 में यूटिलाइज भी किया। अब किस तरह से हम जो फ्लाई ऐश उसको साइंटिफिक डिस्पोज कर सकते हैं, देखो दो तरह से कर सकते हैं, ड्राई फ्लाई ऐश डिस्पोजल सिस्टम, दूसरा है वेट फ्लाई ऐश डिस्पोजल सिस्टम। देखो जो ड्राई फ्लाई ऐश डिस्पोजल सिस्टम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन है, इसमें क्या होगा, हम जो फ्लाई जो ड्राई फ्लाई ऐश है उसे कलेक्शन करेंगे और उसके बाद हम उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे जहाँ पे भी साइट पे, या फिर वहाँ पे उसको डिस्पोज कर देंगे। ठीक है, वेट फ्लाई डिस्पोजल सिस्टम में क्या करेंगे, हम जो फ्लाई ऐश है उसको वाटर के साथ मिक्स करके फिर उसे ट्रांसपोर्ट करेंगे पाइप के थ्रू, स्लरी के थ्रू, और फिर क्या कर देंगे उसे आसपास के जो पॉन्ड्स हैं या फिर प्लांट्स हैं वहाँ पे क्या कर देंगे उसे डिस्पोज कर देंगे। ठीक है, अब फ्लाई ऐश को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, पहली बात आपको इसको एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है, सोइल को बहुत अच्छे से एरेट करता है और क्रॉप की जो ईल्ड है वो बढ़ा सकता है इसमें, क्योंकि कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जैसे फॉस्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम। आप क्या इसको डिफरेंट कंस्ट्रक्शन वर्क्स में यूज़ कर सकते हो, ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट बना सकते हो जो कि काफ़ी अच्छा सीमेंट होता है एज कम्पेयर टू अदर सीमेंट, ब्रिक्स ब्लॉक्स टाइल्स बना सकते हो, रोड बना सकते हो, रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो कॉन्क्रीट फ्लाई ऐश से बनता है वो स्ट्रॉगर होता है दैन द मोर ड्यूरेबल दैन द ट्रेडिशनल कॉन्क्रीट मेड विद द पोर्टलैंड सीमेंट। फ्लाई ऐश क्या होता है, एक लाइट वेट मटेरियल होता है, देयरफॉर इसको हम यूज़ कर सकते हैं, यूज़ फॉर एम्बेकमेंट कंस्ट्रक्शन ओवर द वीक सबस्ट्रेट सच एज द एल्यूवियल क्ले और द स्लेट वेयर एक्सेसिव वेट कोल्ड कोज फेलियर। ठीक है,
आपके एब्जॉर्प्शन मैन्युफैक्चर कर सकते हैं जो कि सुटेबल है फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वेस्ट गैसेस, ड्रिंकिंग वाटर प्यूरिफिकेशन एंड द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए? देखो, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑन बिहाफ, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पावर के बिहाफ पे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को बोला है कि वो मॉनिटर करेगी कि तब फ्लाई ऐश कौन कितना जनरेट कर रहा है और कौन कितना यूटिलाइज कर रहा है, वो उनको क्या करेगी, मॉनिटर करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने भी पहली बार इशू किया है फर्स्ट डायरेक्टिव फॉर प्रमोटिंग द फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन 1999 में इशू किया था। उसके बाद उसने अमेंड भी किया था 2003 में, 2009, 2016 में नोटिफिकेशन ऑफ फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन इन 2016, जिसके कुछ और फीचर्स थे किसमें यही था कि आपको जो भी थर्मल पावर स्टेशन जितना भी फ्लाई ऐश क्या कर रहा है एमिट कर रहा है उसको क्या करना है, मैंडेटरी उसकी डिटेल्स क्या अपलोड करनी होगी। ठीक है, उसने क्या किया, इंक्रीज इन द मैंडेटरी जुरिस्डिक्शन ऑफ एरिया ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम 100 किलोमीटर टू 300 किलोमीटर। उसने बोला है आपको फ्लाई ऐश अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो अगर 100 किलोमीटर तक आप उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो आपको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट देनी पड़ेगी, और अगर वो विद इन द 100 किलोमीटर 300 किलोमीटर तक अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो जो इक्वली क्या होगा, जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगी वो क्या है शेयर रहेगी। टारगेट ये है कि 100% हम फ्लाई ऐश का यूटिलाइजेशन कर सकें बाय 2070। हमने क्या कहा, मैंडेटरी यूज़ करने हैं फ्लाई ऐश बेस्ड प्रोडक्ट्स को, स्पेशली जो गवर्नमेंट स्कीम्स है जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना या महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, स्वच्छ भारत अभियान, तो इसके अंदर जो प्रधानमंत्री की जो स्कीम्स हैं उसमें हमने क्या करना है, जो फ्लाई ऐश को मैंडेटरी यूज़ करना है। एक मोबाइल ऐप भी यूज़ करिए ऐश मैनेजमेंट के, ऐशटैग आपको पता ना जी, ऐशटैग से क्या होगा, जो फ्लाई ऐश जो यूज़र्स हैं या जो फ्लाई ऐश जो प्रोड्यूसर्स हैं उन दोनों के बीच में एक लिंक बना के रखेगा कि हाँ यार मुझे फ्लाई ऐश की जरूरत है, वो बोलेगा ठीक है मेरे पास है आप ले जाओ। ठीक है, वाज क्रिएटेड टू हेल्प एस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन द फ्लाई ऐश यूजर एंड द पावर प्लांट एग्जीक्यूटिव। स्टेट लेवल पे महाराष्ट्र पहली स्टेट बनी है जिसने फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन पॉलिसी को अडॉप्ट करी है 2016 में। सो गाइस, यहाँ पे हमने किया है जो PT365 एनवायरनमेंट को आज तक यहीं रखते हैं, कल से हम अपना नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।